एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ और मेरा बेबी भी अच्छे से है। एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, दिशु की दुनिया पर। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों की सारी रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये वाली वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बिकॉज लास्ट जब मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया था, अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो कुछ ऐसे कमेंट, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे कमेंट आए थे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना थर्ड ट्राइमेस्टर भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो बस उसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ में हाज़िर हूं अपना एक छोटा सा वीडियो लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में, जो कि होता है 7th, 8th and 9th मंथ, जैसे कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, बस मैं उनके लिए क्लियर कर देना चाहती हूँ। और वीक्स के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैं 28 टू आपका 40 वीक तक थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है, जिसे हम तीसरी तिमाही भी बोलते हैं। 7वां, 8वां और 9वां महीना बहुत बहुत रिस्की वाला नहीं बोलूँगी, बट हाँ बहुत केयरिंग वाला ये ट्राइमेस्टर माना जाता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अपनी केयर करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपको सबसे ज़्यादा जो आपके डॉक्टर की विजिटिंग होती है वो आपको इसी वाले ट्राइमेस्टर में करनी होती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था और जैसा कि हर एक लेडी के साथ होता है। मोस्टली डॉक्टर्स आपको हर 15 डेज़ में बुलाते हैं, 7th और 8th मंथ में। 7वें और 8वें महीने में आपको 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना होता है, और लास्ट का जो 9th मंथ होता है, ये मैं नॉर्मल जिसकी प्रेगनेंसी चल रही होती है उसके लिए बता रही हूँ। अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो हो सकता है कि डॉक्टर आपको थोड़ा और ज़्यादा बुलाए, जैसे कि वीकली भी बुला सकती है। बट जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है उनके लिए मैं शेयर कर देना चाहती हूँ कि 7th और 8th मंथ में आपको हर 15 डेज़ में डॉक्टर की विजिट करनी चाहिए, एंड 9th मंथ में आपको वीकली डॉक्टर बुलाती है। बिकॉज 9th मंथ में ऐसा होता है कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, स्टार्टिंग में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, तो आपको ऐसे इस समय में हमेशा डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम जाना चाहिए। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेट डॉक्टर्स आपको बुला रहे हों, जैसे लास्ट मंथ में भी हो सकता है 15 डेज़ में बुला रहे हों, और हो सकता है 7th 8th मंथ में आपको पूरे महीने में ही बुला रहे हों। बट जो नॉर्मली होता है वो ऐसे ही होता है कि 7th 8th मंथ में आपको 15 डेज़ पे बुलाया जाता है, और 9th मंथ में आपको वीकली डॉक्टर की विजिट करनी होती है। कहते हैं अब कि कौन से टेस्ट होते हैं, तो वैसे तो आपके जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो पहले हो चुके होते हैं, बट एक जो मेन आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है कलर डॉपलर, और एक और आपका ग्रोथ के लिए स्कैन कराती हैं डॉक्टर्स, जो कि नॉर्मल एक अल्ट्रासाउंड होता है, और जो मेन होता है आपका वो 8th मंथ में होता है, जो कि होता है कलर डॉपलर। आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ हुआ था, मुझे नहीं पता था कि कलर डॉपलर भी होता है। बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है, आप लोग प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट किया कीजिए अपने अल्ट्रासाउंड्स को लेकर, अपने रिपोर्ट्स को लेकर। देन आपके ब्लड टेस्ट होंगे, CBC होगा नॉर्मली, और एक थायराइड का टेस्ट जो कि नॉर्मल होता ही है। तो आपके ये जो 2-3 टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये तो नॉर्मली होते ही हैं। एंड आपको मैं बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होते हैं वो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर से दिखाएं, क्योंकि जो लास्ट के मंथ्स होते हैं उसमें हमारी डिलीवरी होने के, प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के भी चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी एक्टिविटी। आजकल का शेड्यूल ऐसा हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है। अभी तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप लोग शायद से बाहर ज़्यादा घूमते भी नहीं होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने खुद से बहुत ज़्यादा केयर किया कीजिए, अपने जो घर में ही आप वॉकिंग किया कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया कीजिए, जैसे कि एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप एक बटरफ्लाई पोज होता है वो आप ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। ऐसे बोलते हैं कि बैठ कर पोछा लगाना चाहिए, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई भी पेन नहीं हो रहा है, तो ही आप ऐसा करें। अगर आपको कोई भी अनकम्फर्टेबलनेस फील हो रही है, एक सेकेंड,
बात करती हूँ आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है 7th, 8th, 9th मंथ बहुत ज़्यादा रिस्की और अनकंफर्टेबल वाला होता है, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपके लेग क्रैम्प्स बहुत होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से अपने पैरों की मालिश कीजिए, आपको सूजन भी हो सकती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे लड़की के टाइम पर जब मेरी बेबी गर्ल थी तो मुझे स्वेलिंग नहीं आई थी बिल्कुल भी, बट जब मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, बेबी बॉय हुआ, तो मुझे लेग स्वेलिंग बहुत हुई थी। आपके पैर जो है वो सूज जाएंगे, और इसके लिए मैं एक होम रेमेडी बता देती हूँ। आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में अपने पैर डिप करके आराम से सोक करके उन पे अच्छे से तेल मालिश करके सोया कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, सच में बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत पेन होता है आपके पैरों में। स्ट्रेच मार्क्स की बात करूँ तो जो आपके 7th से 9th मंथ के बीच में आप जो इचिंग करोगे उससे आपके स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो आपका पेट बिल्कुल भी नहीं निकलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका हल्का फुल्का पेट निकलता है, तो इचिंग तो तब से स्टार्ट हो जाती है, बट तब से इतने स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं जितने कि आपके 7th, 8th और 9th मंथ में आपके इचिंग करने से स्ट्रेच मार्क्स होंगे। तो उसके लिए आप नॉर्मली नारियल का तेल भी लगा सकते हो, बायो ऑयल भी लगा सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे और जो आपको बजट में ठीक लगे, आपको रिलैक्स फील हो, आप वो वाला ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैंने नॉर्मल नारियल का तेल ही अप्लाई किया था और मुझे बहुत कम स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं सीरियसली। तो ये तो हो गई, और दूसरी चीज़ आपको हर्ट बर्न बहुत ज़्यादा होगा। जी हाँ, तो आप ऐसा करें कि बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, एक बार में बहुत ज़्यादा तो आपसे खाया भी नहीं जाएगा और आप खा भी नहीं पाओगे। तो आप जितना खाना खाते हो आप उसे हर एक घंटे में, हर दो घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा करके खाइए, जिससे कि आपको हर्ट बर्न बिल्कुल भी नहीं होगा। अदरवाइज़ आपको बहुत जलन होगी, बहुत जलन होगी, उसके लिए आप ठंडा दूध पी सकते हैं फ्रिज वाला, क्योंकि अभी तो समर्स चल रही हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई नो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी, बिकॉज़ मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो भी पूरी गर्मी में ही बीती है। लास्ट टाइम में अक्टूबर में मेरी डिलीवरी हुई थी और जैन में मैंने कंसीव किया था बेबी गर्ल के टाइम पे, सो मेरी पूरी प्रेगनेंसी जो है वो गर्मियों के थ्रू बीती है, तो मुझे बहुत अच्छे से इसका एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी तो आप दिन में 2 बार नहा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। रेस्ट कीजिए, बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट कीजिए आराम से, अगर आपको कोई भी इशू नहीं है वॉकिंग कीजिए। बात करते हैं आपकी मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन्स में आपको वही मेडिसिन्स लेनी है जो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में ले रहे होते हो, जो कि होती हैं आपकी कैल्शियम की मल्टी विटामिन टैबलेट्स होती हैं, आयरन की टैबलेट्स होती हैं, तो वही कंटिन्यू करनी है। बाकी आपको फॉलिक एसिड नहीं लेनी होती इस वाले ट्राइमेस्टर में, और आप प्रोटीन रिच फूड लीजिए, बिकॉज ऑफ आपका जो बेबी का वेट है वो आपके लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसी में बढ़ता है। तो आपको क्या करना है कि दाल हमेशा आपको पर डे ज़रूर खानी है, आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी अगर आपको पनीर की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है तो आप कच्चा पनीर आराम से खा सकते हैं। दूध आपको दोनों टाइम पीना है, जिससे कि आपके बेबी का वेट अच्छे से बढ़े। अगर आप हेल्दी बेबी चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको ये वाली चीज़ें खानी ही पड़ेंगी। तो आपकी जो 2-3 2-3 महीने होते हैं वो आप अच्छे से खाइए, जैसे कि आपको लाइफ टाइम के लिए कोई टेंशन ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपकी बेबी को। अगर आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको 9th मंथ में भी आपका बेबी का वेट बहुत अच्छे से गेन होता है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है वैसे वैसे आपके बेबी का वेट भी बढ़ता है। तो इसके लिए आपको प्रोटीन रिच फूड ज़रूर से ज़रूर खाना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपका मन नहीं करता है, आपको जिस टाइम पर मन करता है उस टाइम पर खाइए, बट आपको खाना है। तो ये हो गई आपकी खाने की बातें। रेगुलर वॉक करनी है, अच्छा खाना खाना है, अपने खाने पर ध्यान रखना है। बाकी आपको ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं करना है इस टाइम पे, क्योंकि जहां आपको जाना है आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जा सकते हो, इसके बाद में आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी वॉक तो करनी ही है, ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके बेबी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपकी क्या है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई भी टेंशन है, चाहे फैमिली की है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की है, तो आप उसको बिल्कुल साइड में रख दीजिए, क्योंकि इससे आपके बेबी को कम्प्लीटली इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको खुश रहना है, आपको हेल्दी खाना खाना है, अपने डॉक्टर्स की विजिटिंग बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, स्किप नहीं करनी है, अपने सारे अल्ट्रासाउंड्स वगैरह टाइम पर कराने हैं, मेडिसिन टाइम पर लेनी है, जिससे क्या होगा आपको बहुत ही अच्छा सा बेबी आपके हाथों में आएगा, और आप सारी अपनी टेंशन, जो हर्ट बर्न होता है, जो आपको इचिंग होती है, जो आपको पैरों में स्वेलिंग होती थी, पैरों में पेन होता था, रातों को नींद नहीं आती थी,
वो सारी चीज़ें आपकी एक तरफ हो जाएंगी। तो आपको अच्छा बेबी चाहिए तो आपको ये वाली चीज़ें सारी फॉलो करनी पड़ेंगी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मिलती हूँ इसी तरीके की अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ में। अगर और कोई भी रिक्वेस्ट है आप लोगों की तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।